है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में, जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना, वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात? पहले कथा में किसी सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध हो जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भर कर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है जहां तैयार होती है, उस अलमारी में रख ले और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिख कर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए, गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण होना। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ महाराज, ध्यान दें, कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही, अमृत की वर्षा कर शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे ही। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं उसकी पूजन, सबका अपना अपना नियम पूजन करने, गौरानी भरती है मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही है, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला,
शंकर की आराधना।